বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেটটি বাঁধছে, আর জয় শ্রীরাম বলছে গুন্ডামি বদমাশি পাগলামি ধর্ষণ সব করছে তাদের বিরুদ্ধে। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेप के आरोपी पीड़ितों के खिलाफ बीजेपी के लोग काले झंडे लिए प्रदर्शन करते क्यों नहीं नजर आते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पीड़ित इन लोगों की पार्टी के होते हैं। ये लोग भगवा लबादा उड़े जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। বিজেপির লোকজনরা এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেটটি বাঁধছে, আর জয় শ্রীরাম বলছে গুন্ডামি বদমাশি পাগলামি ধর্ষণ সব করছে তাদের বিরুদ্ধে। जिसके बाद बीजेपी नेता उमेश राय ने कल्याण बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाओ नहीं तो लोग तुम्हारा चलना मुश्किल कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री को एक किसी बढ़िया मेंटल डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उनके पार्टी के बहुत सारे नेता अपना आपा खो चुके हैं। कल्याण बनर्जी को ये नहीं पता है कि भारत के प्राण पुरुष है श्री राम। जो काम बनता नहीं है उस काम को बनाने के लिए और संकट से बचने के लिए लोग जय श्री राम का नारा देते हैं। जिस पार्टी के नेता जिस पार्टी के सांसद खुलेआम मंचों से ये बात कहते हैं कि आप तृणमूल कांग्रेस नहीं करिएगा तो मैं अपने लड़कों को भेजकर आपके घरों में भेजकर रेप करवाऊंगा, उस पार्टी के नेता के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। ममता बनर्जी जी अपने इस पार्टी के नेताओं पर अंकुश लगाएं, नहीं तो रास्ता चलना इनका मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब कल्याण बनर्जी ने ऐसा विवादित बयान दिया है। हाल ही में उन्होंने देवी सीता पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके चलते कई संगठनों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। दरअसल वायरल वीडियो में कल्याण बनर्जी ये कहते हुए पाए गए कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण द्वारा किया गया था ना कि उसके चेलों द्वारा, नहीं तो मेरा हर्ष भी हाथरस जैसा होता। सीता रामेर काछे जे बोलछे बोलो भाग्यिस रावण आमाके हरण करे निये गेछिलो, आज जदि तोमार चेला गुलो जानो ए जय कि बोले उनके इस बयान के बाद अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। ये पहला मौका नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राम या सीता को लेकर उपहास किया हो, लेकिन उनके इस उपहास के कारण पार्टी खुद सवाल के घेरे में खड़ी हो जाती है कि आखिरकार तुष्टीकरण का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर जिस तरह से लगता रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। शब्दों का इस्तेमाल भले ही हेर फेर के साथ किया गया हो लेकिन शब्दावली में परिवर्तन आना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।